इधर अमेरिका से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन की फौज रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इससे भड़के रूस ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। अमेरिका ने दिया हथियार, यूक्रेन ने रूस पर किए ताबड़तोड़ प्रहार। ये यूक्रेन का बैटलफील्ड है जिसमें जेलेंस्की की फौज के जवान अमेरिका से मिले M777 हॉविट्जर से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दाग रहे हैं। तैनात करना आसान है, गोले दागना आसान है, और हमले के बाद इन्हें लेकर नए ठिकाने की तरफ निकल जाना भी बेहद आसान है। युद्ध के मैदान में ये अमेरिकी हॉविट्जर यूक्रेन की सेना के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। M777 हॉविट्जर से करीब 30 किलोमीटर तक निशाना साधा जा सकता है। इससे एक मिनट में 5 बार फायरिंग की जा सकती है। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर M777 हॉविट्जर की सप्लाई लगातार करता रहा है। इनकी एक खेप तो पिछले महीने भी भेजी गई थी, लेकिन रूस को तो ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है। वो बुरी तरह गुस्से में है। यही वजह है कि उसने अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी भी दे दी है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है, उसे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जापान ने भी शुरू की रूसी एनर्जी के विकल्प की तैयारी। बड़ी खबर ये, बंद पड़े कोल और न्यूक्लियर प्लांट जापान खोलेगा। ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल का प्लान है जापान का। दिसंबर तक 9 न्यूक्लियर प्लांट चालू करेगा जापान। रूस यूक्रेन जंग का आज 142वां दिन है। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन की बमबारी हुई है। डोनेस्क में चल रही है सबसे भीषण जंग। यूक्रेन से 90 लाख लोगों का पलायन हुआ है, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी सामने आई है। रूस यूक्रेन जंग का आज 142 दिन है। दोनों पक्षों में भीषण बमबारी जारी है। कभी रशियन फोर्स यूक्रेन पर भारी पड़ती नजर आती है, तो कभी यूक्रेन आर्मी रशिया पर बढ़त बनाने का दावा करती है। बैटल ग्राउंड से आए इस वीडियो में देखिए किस तरह से रशियन ठिकानों को चुन चुन कर यूक्रेनी फोर्स निशाना बना रही है। जरा सी हलचल दिखते ही देखिए किस तरह से यूक्रेन फोर्स ने इस ठिकाने को बमबारी करते हुए तबाह कर दिया। वहीं रूस भी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में पीछे नहीं है। जंग में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों का पलायन जारी है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में यूक्रेन से 90 लाख नागरिकों के पलायन का दावा किया गया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में इन दिनों डोनेस प्रांत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। डोनेस में रूस समर्थकों की संख्या ज्यादा है। 2014 से डोनेस के बड़े हिस्से पर रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। रूस का दावा है कि अगले कुछ दिनों में पूरे डोनेस पर उसका कब्जा हो जाएगा।